हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना। आज की वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक वायरल हैक, जो कि मैं ट्राई करने वाली हूँ, जो कि आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये वायरल हैक ट्राई करते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, जो कि है जिसमें ब्लश पहले लगाते हैं, ब्लश कंटूर एंड कंसीलर पहले लगाते हैं, देन बाकी मेकअप करते हैं, उसके बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कैसे टर्न आउट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना क्रिएशन, मैं वहाँ भी अपडेट रहती हूँ, रील्स वगैरह डालती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है, मॉइस्चराइजर और प्राइमर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जिसमें कि लिपस्टिक को एज अ ब्लश पहले अप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैं रेड लिपस्टिक ले रही हूँ, जो कि है आई थिंक कलर बार की ये लिपस्टिक थी। इतनी क्वांटिटी में मैं यहाँ अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा ही अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं स्टिक वर्की का ये कंटूर क्रीम कंटूर स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ एले गर्ल का प्रो कंसीलर। हाँ, मैंने कंसीलर और क्रीम कंटूर स्टिक भी अप्लाई कर लिया है। मेरा फेस एकदम बंदरिया लग रही हूँ मैं। कंटूर के बाद ब्लेंड करती हूँ मैं कंसीलर में, थोड़ा दूसरा ब्रश ले रही हूँ, नहीं तो सब रेड रेड लग जा रहा था। तो मैंने सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और अभी भी तो मुझे लग रहा है मैंने लिपस्टिक ज़्यादा अप्लाई कर लिया था। तो चलिए फाउंडेशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसा टर्न आउट होता है। तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये फोटो फोकस फाउंडेशन। तो अब ब्लेंड कर रही हूँ मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर से, जो कि डैम ब्यूटी ब्लेंडर है। तो मैंने पूरा ब्लेंड कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा ज़्यादा ही रेड रेड लग रहा है, मुझे लगता है मैंने लिपस्टिक ज़्यादा लगा दी। इसके बाद अपने फेस को बेक करते हैं। जब तक बेक हो रहा है तब तक मैं अपना आईब्रो सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ब्रोज फिल कर लिया है, अब ये बेक हो चुका होगा तो इसको रिमूव कर देते हैं एक ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ मैंने एक्सेस पाउडर को रिमूव कर दिया, आप मेरा फेस देख सकते हैं। और मुझे अभी करने है आई मेकअप, तो मैं आई मेकअप करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मेरा आई मेकअप डन हो चुका है, अब अप्लाई करती हूँ हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर ले रही हूँ मेगा ग्लो, और इसको मैं अप्लाई करती हूँ फैन ब्रश के उससे।
अपने हाई पॉइंट को हाईलाइट करना है। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, मैं बहुत ज़्यादा इसे ही हर वीडियो में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हाइलाइटर डन हो चुका, अब मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ लैक्मे का ये लिप लाइनर है। लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ ये लॉरियल का रॉक सिग्नेचर लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है 130। इस लिपस्टिक के ऊपर मैं टॉप अप कर रही हूँ ये मैबलिन का सुपर स्टे मैटिंग लिक्विड लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है 65। मिडिल में अप्लाई करूँगी, पूरा नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि ये बहुत ही अलग मुझे कलर लगता है। तो यहाँ मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन होता है। अब मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपना मेकअप सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना के मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने मेकअप कंप्लीट कर लिया है, मैंने हेयर स्टाइल ऐसे ही कुछ खास नहीं बनाया और ये इयररिंग डाल ली है जो कि मैंने न्यू परचेज़ किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई इयररिंग। तो उसके बाद ये मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है और मेरा ये लुक भी कंप्लीट होता है। तो मैं बताती हूँ कि इस हैक ने कितना काम किया। तो ये हैक काफ़ी अच्छा हैक है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बस मेरी तरह एक गलती मत करिएगा क्योंकि मैंने लिपस्टिक की क्वांटिटी ज़्यादा अप्लाई कर दी थी और ज़्यादा जब आप लिपस्टिक क्वांटिटी अप्लाई कर देंगे तो वो ब्लेंड करते टाइम कहीं ना कहीं पूरे फेस पे ब्लेंड हो जाता है। नहीं तो अगर आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में अप्लाई करते तो ये हैक बहुत ही अच्छा हैक है, इसके लिए बिग थम्स अप। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से कुछ भी अप्लाई नहीं किया है लेकिन अंदर से एक पिंक पिंक ऐसा लग रहा है कि नेचुरल एकदम ब्लश का इफेक्ट आ रहा है। काफ़ी फ्लॉलेस बेस लग रहा है। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा मेरा बेस क्रिएट हुआ है। बेस बिल्कुल भी केकी या पैची नहीं लग रहा था लेकिन मेकअप थोड़ा सा हैवी लग रहा था क्योंकि फाउंडेशन की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा मेकअप हैवी हो जाता है। ब्लश जिससे भी ब्लेंड करिए आप उस चीज़ से फेस के और कोई भी चीज़ मत ब्लेंड करिए, नहीं तो पूरे फेस में रेड रेड हो जाए। इसे ट्राई कर सकते हैं कभी भी, अगर आपको थोड़ा सा हैवी मेकअप चाहिए तो आप इस तरह का हैक ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्लॉलेस बेस मिलेगा, बिल्कुल भी पैची नहीं लग रहा, कहीं से भी कोई भी पैची नहीं लग रहा। You can see, बस मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी ज़्यादा हो गई इसलिए थोड़े से पूरे फेस में हल्का सा पिंक टोन आ गया है, नहीं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया है कि कैसा है पूरा आपके सामने मैंने किया तो किस तरह से ये निखर के आया है, मतलब ये हैक कैसे काम करता है। बहुत ही अच्छा हैक है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।